स्टूडेंट, जैसा कि देख रहे हैं हमारे हाथ में दो प्रकाशी वस्तु हैं, दो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट हैं। अब इनको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं और इनका क्या नाम है, इनका क्या प्रॉपर्टी होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो ये हमारे पास दो मिरर हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और ये हमारा अवतल दर्पण है जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसपे हम लोग बोल सकते हैं, जिस पर हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों मिरर को कौन सा ये अवतल दर्पण है और कौन सा ये उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी को देखते हैं। अवतल दर्पण, इसको आप लोग सही से देख लें। फिर जो ये अवतल दर्पण होता है, ये इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, ये बीच से अंदर की ओर धंसा होता है, और ये जो पीछे का इसका ये कलई हुआ है, ये उभरा होता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, अगर यहाँ से कोई समांतर किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें समांतर किरणें आ रही, तो ये एक जगह प्रकाश को कन्वर्जिंग करता है, तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। बस एक केस होता है जिसमें इसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है, लाइट में यूज करते हैं। तो इस बेस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है। सही से देख लें तो इसकी भी प्रॉपर्टी होती है जिसकी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उभरा होता है, और ये जो कलई वाला है भाग, ये अंदर की ओर धंसा रहता है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये अवतल दर्पण है, अगर यहाँ से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और ये किरणों को फैला देता है, सीधा बनता है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका यूज हम लोग बाइक के किसी भी वाहन के साइड मिरर में यूज करते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी पे बोल सकते हैं कि ये हम लोग का कॉनकेव मिरर है और ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है।